आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में ये कोशिश थी कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई में आवेदन करने के टाइम पर आपसे ये भी पूछा गया कि आप किस ज़िले में जॉब करना चाहते हैं, आपसे टॉप 3 प्रायोरिटी आपकी ले ली गई। तो उस सर्वे का ये मकसद था कि ये पता करना कि कितने लोग किस ज़िले के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। सभी कैंडिडेट से डेटा नहीं लिया जा सकता, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 500,000-2,000 लोग अपना डेटा दे देते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाता है और वो ट्रेंड आगे के डेटा पर भी वैसा का वैसा ही कंटिन्यू हो जाता है। ये ट्रेंड 10-20-30 लोगों के डेटा से नहीं हो सकता है, कम से कम 500 से ऊपर। अगर 500 से ऊपर का डेटा आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये डेटा एक ट्रेंड को एस्टेब्लिश कर। तो सर्वे में जो कुछ आया था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अभी मैंने पहले के कई वीडियोस में ये बात कहा है कि इसमें स्ट्रगल अलग अलग तरह का है। कई लोगों का स्ट्रगल इस बात का है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, कईयों का स्ट्रगल इस बात का है कि उनको उनका पसंदीदा ज़िला मिलेगा कि नहीं। तो मतलब इसमें भी अलग अलग तरह का है जो स्ट्रगल है इस एग्जामिनेशन को लेकर के, इस जॉब को लेकर के। लेकिन फिर भी ज़िलों का क्या हाल है, क्या कुछ ऊट पटांग सा ट्रेंड आ रहा है, या जो पहले से जो एक आइडिया है लोगों को उसी आइडिया पर बेस्ड है कि जहाँ आबादी ज़्यादा, जहाँ शहरी आबादी ज़्यादा, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा। तो इस वीडियो में आपको यही बात पता लगेगी। सबसे पहले जो सर्वे मैंने किया था आपके स्क्रीन पर, अभी देखिए, ये वही सर्वे है। 794 एंट्री आ चुकी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसी से मैंने डेटा लिया है, जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, वो सारा का सारा डेटा जिसके बेसिस पर मैं कंक्लूड करूंगा। ये देखिए कंप्यूटर विज्ञान का डेटा है, इसे दूसरी शीट अगर देखेंगे आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, तो इसमें सभी सब्जेक्ट का है, प्राइमरी का भी है और भी कई सारे सब्जेक्ट का है। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ कंप्यूटर का दिखाता हूँ और बाकी आगे चल करके सोशल साइंस का भी एंट्री काफ़ी है, तो उसका ही मैं दिखाऊँगा। अकेले कंप्यूटर साइंस का 500+ एंट्री है। मैं आपको एक बार पहले लास्ट तक दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके पूरा, उससे ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। देखिए फर्स्ट चॉइस का ये सॉर्ट आरा अररिया इस तरह से सॉर्टेड है अल्फ़ाबेटिकली। इसको मैं लास्ट तक पहले मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको चाहें तो आप भी गिनती कर सकते हैं। लास्ट में मैं जो काउंट किया है मैं आपको काउंट भी बता दूंगा कि मेरे काउंट के हिसाब से कितना आ रहा है। देखिए बेगूसराय शुरू हुआ, भागलपुर शुरू हुआ। फर्स्ट चॉइस को देखिए, लोगों की नज़र तो फर्स्ट चॉइस पर ही है। पहले भोजपुर देखिए, दरभंगा शुरू हुआ, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज। आप एंट्री जो नंबर ऑफ एंट्री देखिए, सबसे लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रही है, जैसे कि किसी का भी आप देखें, दीपक यादव का देखें 183 नंबर पे, इनका ज़िला है जमुई, लखीसराय और बांका, ये टॉप 3 चॉइस है इनका। तो जमुई वाले सारे आसपास देखिए, जमुई का एंट्री बेहद कम है, सिर्फ 3 ही एंट्री दिख रहा है इतनी बड़ी भीड़ में। 500+ एंट्री में सिर्फ 3 एंट्री है जमुई का जो फर्स्ट प्रायोरिटी में है। जहानाबाद का देखिए, जहानाबाद का कहाँ शुरू होता है, 184 से लेकर के 194 तक 10 एंट्री है। मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ आखिरी तक, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। फिर मैं आपको नंबर भी बता दूंगा किस ज़िले का कितना एंट्री है। मधेपुरा वालों की मौज है, कोसी के तीनों ज़िलों में मधेपुरा का ऐसा लगता है कि लोगों ने कम चुना है आवेदन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में। देखिए पटना शुरू हो गया, देख रहे हैं भीड़ कैसी है पटना के लिए, पटना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस बात का अंदाज़ा था पहले से ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ है। पूर्णिया एक बड़ा ज़िला पर एंट्री बेहद कम, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर देखिए काफ़ी एंट्री है यहाँ से भी। पाँच सौ पहुँच गया है, 500 नंबर पर रवि, एमडी तौसीफ, ओंकार नाथ तिवारी, गोपालगंज, सारण, गोपालगंज। देखिए 545 एंट्री, एक ऊपर वाला जो है वो इन्फॉर्मेशन कॉलम नेम में चला गया है, तो 544 एंट्री आप मान सकते हैं। इस 544 एंट्री में मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बार काउंट बता देता हूँ।
जो मैंने गिना है थोड़ी देर पहले, हालांकि इसको मैंने मुझे और अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, थोड़ी एंट्री बढ़ जाए तो मैं आपको और बेहतर बताऊँगा। अभी जो मैं गिन रहा था सभी ज़िलों का तो नहीं गिना, लेकिन जितने ज़िलों का गिना है वो देखिए। इससे अभी जो मौजूदा डेटा है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि पटना सबसे ज़्यादा लोगों ने चुना है। जितने लोगों ने इस में आवेदन दिया है उसमें से तकरीबन आप ये मान लीजिए कि 17-18% लोगों ने, 15-20% के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पटना है। इस बात पर ध्यान दीजिए, जितने भी एप्लीकेंट हैं कंप्यूटर साइंस के उनमें से 15-20% कैंडिडेट का फर्स्ट प्रायोरिटी पटना है। मतलब पटना बहुत हाई डिमांड में जा रहा है। जो लोग पटना के हैं उन्होंने तो आवेदन किया, दूसरे ज़िले के लोगों ने भी पटना को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। इसके अलावा जो मतलब 5-6 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं, जैसे गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये पूर्णिया भी, भागलपुर, ये तमाम ज़िले तकरीबन इक्वल कंपटीशन में जा रहे हैं। देखिए 20-25 एंट्री। इसके अलावा मधुबनी से भी ठीक ठाक एंट्री है, औरंगाबाद में भी तकरीबन वैसी एंट्री है जो गया का हाल है। तो अलग अलग ज़िलों में तकरीबन जो जितने जो बड़े ज़िले हैं, जो बड़े शहर हैं, बड़ा ज़िला नहीं बड़ा शहर है, वहाँ पर तकरीबन इक्वल कॉम्पिटिशन जैसा लगता है अभी का डेटा देख करके। इसके अलावा कुछ ज़िले जैसे समस्तीपुर, मैंने आपको बताया, एक औरंगाबाद, ये भी थोड़ा मतलब कंपटीशन दिख रहा है, काफ़ी लोगों ने ऑप्ट कर दिया है इन ज़िलों के लिए भी। इसके अलावा जो मैंने कहा था पहले वीडियो बना करके कि कोसी और सीमांचल के इलाके में कम कंपटीशन है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उसका बहुत ज़्यादा कोई असर हुआ है वैसा पहले से कहने का, क्योंकि उस इलाके में यहाँ पर भी आवेदन बहुत कम दिख रहा है। जो सर्वे है उसके मुताबिक फर्स्ट प्रायोरिटी में वो ज़िले नहीं दिख रहे हैं, कोसी और सीमांचल के ज़िले, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। सीमांचल में किशनगंज में सबसे कम एंट्री है और कोसी इलाके में मधेपुरा से एंट्री सबसे कम है। तो इन 7 ज़िलों का तो मैंने आपको हाल बता दिया, बाकी जैसा एक्सपेक्टेड था कि साउथ बिहार या साउथ वेस्ट बिहार का जो पार्ट है उस इलाके में लोगों ने खूब, रोहतास में भी भीड़ है, अपना वहाँ पर बक्सर में भी भीड़ नज़र दिख रहा है, आरा में भी काफ़ी आवेदन है, औरंगाबाद में भी काफ़ी आवेदन है, गया में भी काफ़ी आवेदन है, तो उन ज़िलों में थोड़ा सा आवेदन ज़्यादा दिख रहा है। कम से कम ये सर्वे का डेटा तो यही दिखा रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ शेयर है उस हिसाब से ज़्यादा दिख रहा है। बाकी आगे चल करके मैं इस पर और बेहतर तरीके से वीडियो बनाऊँगा। थोड़ी एंट्री बढ़ जाने दीजिए, थोड़ी एंट्री कम है, कम से कम 2000 एंट्री चली जाएगी आगे आने वाले दिनों में, तो और बेहतर कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। लेकिन अभी जो कुछ आया वो मैंने आपको बताया, मोटा मोटी यही है कि पटना टॉप प्रायोरिटी पर है। इसके अलावा जो दूसरे जो टियर 2 सिटी मान सकते हैं, जिसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया जैसे शहर, वहाँ पर भी ठीक ठाक भीड़ भाड़ है। और इसके अलावा कुछ और समस्तीपुर और औरंगाबाद जैसे शहर भी ओवरऑल है, जहाँ भी शहरी आबादी है। इसे हम पूर्णिया को एक्सक्लूड कीजिए, बाई मिस्टेक मैं पूर्णिया बोल दे रहा हूँ, पर पूर्णिया नहीं, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, औरंगाबाद, समस्तीपुर, इन ज़िलों में है भीड़, लेकिन पूर्णिया नहीं है उस लिस्ट के अंदर। पूर्णिया एक बड़ा शहर होने के बावजूद भी वहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है। तो खैर यही तमाम चीज़ें, बाकी शीट को मैं शेयर कर दूँगा, थोड़ा एंट्री बढ़ जाने दीजिए, मैं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इसको मैं डाल दूँगा। थैंक यू।